रामलीला का मंचन, क्योंकि मंच पीछे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से खाली हो चुका है और मंचन खत्म हो चुका है, क्या समझा जाए कि बस कुछ ही देर में अब रावण दहन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रभास, क्या पहुंच चुके हैं मंच पर? विभीषण शोकाकुल हैं, क्योंकि उनको अपने बड़े भाई भ्राता रावण के मृत्यु का शोक है और अभी राम, लक्ष्मण, अंगद और हनुमंत लाल आपस में बात कर रहे हैं कि रावण विधर्मी था, रावण अधर्मी था, रावण दुष्ट था, इसलिए इसका अंत होना चाहिए। और रामचंद्र इस पर अफसोस कर रहे हैं कि हमने एक ब्राह्मण का वध किया है, एक विद्वान का वध किया है। इस पर ये सारे लोग बता रहे हैं कि हे भगवान, शोक करने की जरूरत नहीं, रावण अधर्मी और विधर्मी था, उसका नाश होना ही समाज के हित में है, उसका नाश होना ही सबके हित में, सर्वजन हिताय रावण का वध हुआ है। अब ये बिल्कुल अंत की ओर ये रामलीला चल रही है। जैसे ही विजयी होकर राम उधर आएंगे, वो कहते थे उनका विजय तिलक करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे और इसके साथ ही आज की लीला का समापन हो जाएगा आरती के साथ ही। ये राजनीति का ज्ञान लेने लक्ष्मण रावण से राजनीति का ज्ञान लेने आए हैं, यानी ये वो है अयोध्या का रावण, लंका के राम। उस पुस्तक की शुरुआत भी, ग्रंथ की शुरुआत भी जो पंडित दिनकर जोशी जी ने लिखी थी, उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है जब रावण युद्ध भूमि में पड़ा है और राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि आप ज्ञान लेने जाइए, और लक्ष्मण जब उनके पैरों की तरफ जाते हैं तो रावण उन्हें ज्ञान देने से मना कर देता है, और जब फिर दोबारा जाते हैं फिर वो उनके चरणों की ओर खड़े होते हैं, यानी सिर की तरफ खड़े होने पर वो ज्ञान नहीं देते, जब चरणों की ओर खड़े होते हैं तब रावण उनको युद्ध का, उनको राजनीति, युद्ध नीति और धर्म नीति इनकी व्याख्या करते हैं, इसका ज्ञान देते हैं। क्योंकि राम का ये कहना है कि धर्म नीति, राजनीति और अर्थ नीति का सबसे बड़ा ज्ञाता इस दुनिया से जा रहा है, लिहाजा उन्हें उनका ज्ञान लेना चाहिए, वो ज्ञान पृथ्वी पर ऐसे ही ना चला जाए। रावण के साथ लक्ष्मण जाते हैं और लक्ष्मण फिर उसका ज्ञान लेते हैं। सबसे पहला और उचित ज्ञान मुझे अब तक याद है उस पुस्तक का, वो ये है कि राजनीति में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इतना भी नजदीक आपसे क्यों ना हो। संजय लौटते हैं आपके पास, संजय आपके पास लौटते हैं। फिलहाल मंच से कलाकार जा चुके हैं और शायद अब इंतजार खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, और अरविंद केजरीवाल भी उठ चुके हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जम्मू के रावण दहन की तस्वीरें हैं। अब से कुछ देर पहले हमने आपको लेह में रावण दहन की तस्वीर आपको दिखाई थी और अब जम्मू में भी रावण दहन हो चुका है और अरविंद केजरीवाल अब मंच पर खड़े हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में रावण दहन शुरू होगा दिल्ली में भी। लाडले मुख्यमंत्री, परम आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनके दिल में आज करोड़ों लोगों का ये दर्द रहता है कि उनको कैसे सुख सुविधाएं दें, उनको कैसे खुशी मिले, कैसे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, और ऐसे लाडले मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। ये हमारा परम सौभाग्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी हमने दशहरे के ऊपर अनुरोध किया है उन्होंने हमारे अनुरोध को हमेशा स्वीकार किया है। लव कुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास होता है कि हम इस समय फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वागत में कुछ बातें कह रहे हैं अर्जुन कुमार और वहां पर लोग मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ दिल्ली से लाइव तस्वीरें, थोड़ी देर में यहां पर भी रावण दहन होगा हाईटेक तरीके से, और जम्मू में पूरे धूम धड़ाके के साथ रावण का दहन हो चुका है। प्रतीक का मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा। प्रतीक, चाहे वो रावण के नाना हो, चाहे वो रावण की पत्नी हो, चाहे वो रावण के भ्राता हो विभीषण, चाहे वो रावण के भाई हो कुंभकर्ण, सबने उन्हें समझाने की कोशिश की थी और अंतिम युद्ध में जाने से पहले जब एक बार लक्ष्मण को मूर्छित किया था मेघनाद ने, दूसरी बार नागपाश में बांध दिया था राम लक्ष्मण दोनों को, और तीसरी बार जब वो माता का यज्ञ पूरा नहीं कर पाया था जाने से पहले मेघनाद ने भी कहा था कि राम से संधि कर लीजिए, लेकिन रावण नहीं माना। इतना बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद, वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद, क्या यह माना जाए कि अहंकार आदमी को बिल्कुल अंधा बना देता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसा कि मैं कह रहा था, तो जब विनाश निकट होता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है।
तो रावण का विनाश निकट था। अब आपने जैसा कि जिक्र किया उनके नाना, आखिर में मेघनाथ तक ने समझाया कि हमें राम जी से संधि कर लेनी चाहिए, लेकिन जब विनाश सुनिश्चित था और नियति होकर रहेगी, जब इन सब चीजों को हम समझें तो भाई कैसे रोका जा सकता था। इसका भान कहीं ना कहीं रावण को भी हो गया था, क्योंकि जब उसने शिव जी से आखिरी बार जब उनका स्मरण किया, वो प्रकट हुए, उन्होंने उसको अपना उनको शिव जी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया बल्कि पीठ दिखाई, रावण को उसी समय ये एहसास हो गया था कि ये मेरा आखिरी युद्ध होगा, ये मेरा अंतिम समय होगा। लेकिन समय को नहीं बदला जा सकता था और विनाश निकट था, वो हुआ।